कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर किस तरह से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है दिखाते हुए आज हम आपको दिखाएंगे कि यातायात नियम पे किस तरह से यातायात पुलिसकर्मी ध्यान रखें और क्या क्या यहाँ पे होता है आज आपको हम दिखाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमें गज भर की दूरी रखनी चाहिए और साथ ही साथ कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आम जनता जो है जहाँ कई लोग कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं पर साथ ही साथ वो यातायात नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लखनऊ में बर्लिंगटन स्थित चौराहे पे कैसे यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि क्या किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन होता है। जहाँ पर सरकार ये तो कहती है कि आप अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपके घर चलान आ जाता है, फोटो खींच जाती है और उसके तहत आपके खिलाफ चलान आता है। पर वहीं दूसरी तरफ जो VIP गाड़ियाँ होती हैं कई बार उन्हें यातायात जो पुलिसकर्मी है तत्पर वो छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ वह कोई कार्रवाई नहीं करते। तो इसी मुहिम को बढ़ाते हुए हम आपको आज दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से कार्य हो रहा है और किस तरह से लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं और वहाँ पे आप देख सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने चौराहे पे लाल बत्ती के यूँ तो कहा जाता है कि लाल बत्ती के पास में सफ़ेद लाइन के पीछे खड़ी होनी चाहिए गाड़ियाँ, पर वहीं आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जो कि गाड़ियाँ हैं उन वो लाल बत्ती के आगे खड़ी हैं। तो आप क्या कह सकते हैं इसमें, यहाँ हमारे देश की सरकार आम नागरिक है जो वो कितना जागरूक है इस बात को लेके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लाल सिग्नल हो चुका है, यूं तो कहा जाता है सिग्नल के पहले गाड़ियों को रुक जाना चाहिए। तो वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे जो सरकारी बस है UP 40 नंबर की काफी आगे चौराहे पे आके वो खड़ी है, रुकी है, जिसपे कि आप क्या कह सकते हैं इस पे इनका चालान होना चाहिए कि नहीं। कानून के हिसाब से तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तो उनको भी आगे इतना नहीं खड़े होना चाहिए, काफ़ी मार्ग छोड़ना चाहिए चौराहे पर। पर वहीं दूसरी तरफ सरकारी गाड़ियाँ और VIP गाड़ियाँ होती है वो नियमों का उल्लंघन किस प्रकार कर रही हैं वो हमारा चैनल आपको दिखाता रहेगा। तो इसी को दिखाते हुए हम आपको और भी दूसरी तरफ दिखाएंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरा मैन जो मोहित हैं वो कैमरे का रुख उस तरफ करें चौराहे की दूसरी तरफ, जहाँ पर आपको और कई गाड़ियाँ दिखेंगी जो कि सड़क के आगे काफ़ी सिग्नल के काफ़ी आगे आके खड़ी हो गई, जिससे कि यातायात लोगों को चलने में दिक्कत भी होती है और साथ ही साथ वहाँ पे लोगों को परेशानी होती है और सड़क सही से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो इस पर आप क्या कह सकते हैं कि यूँ तो कमीशन काफ़ी प्रयास कर रही है कि अपराध कम हो सके और ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें, जिसके लिए चालान ऑनलाइन लोगों के घर पर होते हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल नियम तोड़ते हैं ट्रैफिक नियम तो आपके मोबाइल नंबर पर आपकी गाड़ी के नंबर के थ्रू चलान आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लखनऊ की सड़कों पे जो आम जनता है जो कि जागरूक नहीं है, ट्रैफिक नियमों को क्या कह सकते हैं मानना नहीं चाहते हैं या उनकी आदत हो चुकी है कि इन्हें नहीं मानना है, तो वह इस तरह के नियम उल्लंघन करती रहती हैं। तो यही हम आपको दिखाते हुए लेके आए हैं आज राजधानी में हुसैनगंज चौराहे पर। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, मैं मानव बना रहूँगा आपको इसी तरह और खबरें दिखाते हुए। नमस्कार।